हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है यापासे आरटीआर 160। इस बाइक का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, देखिए बाइक स्टार्ट ले रहा है, बाइक रेस नहीं ले रहा है, तो इस तरह क्यों हो रहा है आज इस वीडियो के जरिए से मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त भी पूरा वीडियो देखिए। आपका बाइक के साथ भी इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट आपको इसका जो प्रॉब्लम वो दिखाना चाहता हूँ। आइए देखिए, मैं देखिए इग्निशन स्विच ऑन किया हूँ। अभी देखिए ये बाइक स्टार्ट हो गया, देखिए देखिए ये बंद हो गया। फिर से और एक बार देखिए देखिए, टोटल थोड़ा खींचने से बंद हो रहा है, तो इस तरह तो होना नहीं चाहिए। और एक बार देख लीजिए, देखिए देखिए इस तरह बंद हो रहा है। तो फर्स्ट आपको कैसे चेक करना है और कौन कौन चीज चेक करना चाहिए टोटली आपको देखना चाहता हूँ। आइए फर्स्ट आपको देखना है स्पेयर प्लग। देखिए तो ये जो कैप, इसके नीचे स्पेयर प्लग रहता है। स्पेयर प्लग शॉर्ट होने से भी इस तरह प्रॉब्लम आता है, तो फर्स्ट आपको स्पेयर प्लग को चेक करना है। और स्पेयर प्लग शॉर्ट होने से आपका बाइक इस तरह बंद पड़ेगा, और ये कैप शॉर्ट होने से भी पड़ता है। तो फर्स्ट आपको स्पेयर प्लग कैप को ऐसे घुमा के खोल लेना है। देखिए खोलने का काम हो गया, और देखिए ये थोड़ा दूर पकड़ना है, नहीं तो इसमें करंट आता है और शॉर्ट देता है। देखिए इस तरह दाबा के आपको देख लेना है, इस तरह दाबाने से बाइक रेस नहीं ले रहे तो आपका स्पेयर प्लग शॉर्ट है। तो देखिए मैं इस तरह से स्टार्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट तो हो गया, अभी रेस भी ले रहा है, इसका मतलब ये स्पेयर प्लग शॉर्ट नहीं है। तो अभी मेरे को दूसरा कैप सेट करना है, और दूसरा कैप सेट करके आपको दिखाना है। देखिए मैं सेम कैप तो मेरे पास नहीं है, अभी मैं दूसरा कैप इसमें सेट करना चाहता हूँ, और दूसरा कैप सेट करके मैं देखना चाहता हूँ इसका जो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा कैप का ही प्रॉब्लम और मेरे को भी तो लग रहा है। देखिए ये हो गया, अभी देखिए ये स्टार्ट भी हो गया, रेस भी ले रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम, कैप का ही प्रॉब्लम था, और जेन्युइन कैप डालना चाहिए, अभी मेरे पास नहीं है, दूसरा कैप डाल के आपको दिखाया हूँ। और स्पेयर प्लग शॉर्ट होने से आपको कैसे सही करना है वो भी देख लीजिए दोस्तों। देखिए स्पेयर प्लग शॉर्ट होने से आपको ऐसे दबाने से बाइक स्टार्ट नहीं लेता है, उस टाइम आपको इसमें स्पेयर प्लग और केबल के अंदर थोड़ा गैप रखना चाहिए। देखिए इस तरह गैप, और गैप रखने के टाइम आपका हाथ भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट देगा। देखिए इस तरह से, और इस तरह स्टार्ट लेने के बाद आपको थोड़ा आराम से रेस करना है, और रेस करने के बाद थोड़ी देर एक मिनट के लिए, उसके बाद आपको कैप सेट करके बाइक वर्कशॉप तक ले जाके स्पेयर प्लग को चेंज करना है, नहीं तो फिर से बंद पड़ जाएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आज इतना ही, बस ओके बाय दोस्तों।